सुप्रभातम बच्चों, कक्षा 9 एकादश पाठ पर्यावरणम। आज हम इस पाठ में पर्यावरण के विषय में समझेंगे। हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। प्रस्तुत अयम पाठ्यांश पर्यावरणम पर्यावरण विषय कह लघु निबंधो अस्ति। यह पाठ पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैलियां प्रदूषणम पर प्राणीनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायतम। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदी नाम वारी मलिनिम सच्चा तम। नदियों का जल मलिनिम सच्चा तम कलुषित हो रहा है, यानी प्रदूषित हो रहा है। सेने सेने धरा निवरणम जायमान अस्ति। वन जो है वो वृक्षों से रहित हो रहे हैं। यंत्रे भी निहशरित वायुना वातावरण विषाक्त रुजाकारकम च भवति। यंत्रे भी यानी मिट्टी के कटाव बढ़ने से निहशरित वायुना बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। वातावरणम विषाक्त रुजाकारकम च भवति। कल कारखानों और वाहनों से धुओं से वायु विषैलित हो रही है, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनसे हमारा आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तथा हमारे वाहनों से निकले धुएं से भी हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणच्च बहुना पशु पक्षीणाम जीवन में संकटपने दृश्यते। क्या कह रहे हैं वो कि वृक्षाभावात् यानी वृक्षों की कटाई से प्रदूषण कारणाच बहुना पशु पक्षी नाम वन्य जीवों वन्य प्राणियों की जातियां भी संकट में, उनका जीवन स्थालु नेव शक्यते, यानी उनका जीवन भी संकट में आ गया है। पादपाः अशंभ्यम न केवलम शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोग्या पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधियम छायां च वितरन्ति। पादपाः असंभव न केवलम शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति। वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्य के लिए जीवित होना असंभव प्रतीत हो रहा है, यानी शुद्ध वायु नहीं मिलने से मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव है। इनके लिए उपयोग्य पत्राणि पुष्पाणि यानी पत्र, पुष्पाणि यानी पुष्प, फलानि यानी फल, काष्ठानि यानी काष्ठ और औषधियम छाया व औषधियम यानी औषधि प्रदान करने वाले पादपों। वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्वापेक्षाया अधिक है। क्या कहते हैं ये कि पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया, औषधि, ये सभी हमारे लिए वृक्षों की उपयोगिता के लिए हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। अस्माकं हेतोः अस्माकं कर्तव्य अस्ति यद् वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणम्। अस्माकं हेतुः यानी ऐसी परिस्थिति में अस्माकं कर्तव्यम् हमारा कर्तव्य है। अस्मि यद् वयं वृक्षारोपणम् हमारा कर्तव्य क्या है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षों का रोपण किया जाए, यानी वृक्ष उगाए जाएं। किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। जल सुचिताकरणम यानी नदी जल स्वस्थ किए जाएं। ऊर्जा यह संरक्षणम ऊर्जा के संरक्षण किए जाए। उद्यानम तड़ाग आदि नाम यानी कूप तड़ाग यानी तालाब उद्यान आदि के निर्माण किए जाएं। सुचिता पूर्वक पर्यावरण संरक्षणार्थ प्रयत्न कुर्याम और उनको स्वस्थ रखने के लिए भी प्रयत्नशील हो। अन्यनेव अस्माकं सर्वेषां जीवनं
अन्यमय शुकावचन भविष्यति, ताकि जीवन सुखमय एवं उपद्रव रहित हो सके। कवि लेखक हमें क्या कहता है कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण किए जाएं, वृक्षों को लगाए जाएं, नदी जल को स्वस्थ किए जाएं तथा हमारे आसपास के वातावरण को हमें स्वस्थ रखना चाहिए, जिससे ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, नहीं तो ये हमारे लिए ही हानिकारक होते हैं। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षात यतेत। प्रकृति समान रूप से इन प्राणियों की सुरक्षा की कोशिश करती है। इयं सर्वान् पुष्णानिति विविधे प्रकारे सुख साधने च तर्पयति। यह सर्वान् यानी सभी का विविध प्रकार से पोषण करती है, सुख साधने और सुख साधनों से च तर्पयति यानी तृप करती है। हमारी जो प्रकृति है वो सभी प्राणियों की रक्षा करती है, सभीों का विविध प्रकार से पोषण करती है, चाहे वो इंसान हो या जंगली जानवर हो, और सुख साधनें हमें देती है। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च अश्या यह प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इनके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्कृत्याः अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तान्ये यानी वे ही मिलकर अथवा अलग से हमारा पर्यावरण बनाते हैं, यानी ये सभी तत्व मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। यतः अजात शिशु मात्र गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, तथैव मानवः पर्यावरण कुर्षाउ। इससे ही पर्यावरण के चारों ओर से ढका हुआ रहता है। ये क्या कहता है, अजात शिशु यानी अजन्मा शिशु मात्र गर्भे सुरक्षितः, अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही हम मानवः पर्यावरण कुर्षाउ यानी वैसे ही मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितः च पर्यावरण अस्मभ्यं सांसारिक जीवन सुखम सदृचारम सत्य संकल्प मांगलिक सामग्री च प्रददाति। परिष्कृतं प्रदूषण रहित च पर्यावरणम यानी शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें अस्माभ्यं सांसारिक जीवन सुखम सांसारिक जीवन सुख सदृचारम अच्छे विचार सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री च प्रददाति और कल्याण करने वाली मांगलिक सामग्री देती है। हमारी जो पृथ्वी है हमारा जो पर्यावरण है वह हमें जीवन सुख अच्छे विचार सत्य संकल्प और मांगलिक कार्य करने वाली सामग्री प्रदान करती है। प्रकृति कोपेह आतकिंतो जनः किं कर्तु प्रभवति। प्रकृति के क्रोध से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है, यानी जब प्रकृति का प्रकोप आ जाए तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। जलपलावने हैं अग्नि भये भूकंपे वात्या चक्रे अलका ताप्द्रिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। प्रकृति का प्रकोप क्या है, जलपलावने यानी बाढ़ से, अग्नि भय यानी आग के डर से, भूकंप यानी भूकंप से, वात्या चक्रे यानी बवंडर जो चक्रवात तूफान आता है बवंडर, अलका पातादिभिश्च और अलका पात आदि से संतप्त
पश्य मानवस्य क्व मंगलम आदि से दुखी मनुष्य का कल्याण कहाँ। अगर ये सभी प्रकृति प्रकोप के कारण आ जाए तो क्या हमारा कल्याण हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये प्रकृति प्रकोप आ जाए तो मनुष्य ही नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसके लिए हमारे द्वारा प्रकृति रक्षणीय है, यानी अगर ये सब नहीं हो तो हमें पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इन सभी के जिम्मेवार हम खुद होते हैं। ये सभी चीज़ ना हो हमारे साथ, हमें पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उससे पर्यावरण रक्षित होगा और हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा। प्राचीन काले लोक मंगला शांसिन ऋषियों वने निवसति स्म, प्राचीन काल में लोक कल्याण की कामना चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। वह सोचते थे कि वन में ही हम सुरक्षित हैं। तत्र विविधाः विहंगाः कुल कुंजी स्रोतस्य रसायम दद्यति, वहाँ अनेक प्रकार के विविधाः विहंगाः यानी पक्षी अपने कलरवों यानी अपने रागों से कल कुंजी श्रोत्र रसायनम ददति, अपने रागों से कानों को अमृत देते थे। यानी कि वहाँ इतनी शांति थी कि जो पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती थी वो कानों को बहुत आनंदित करती थी। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक आप समझिए कि पर्यावरण ने हमें क्या दिया है और हमने पर्यावरण को क्या दिया है। पर्यावरण ने हमें बहुत कुछ दिया है पर हमने पर्यावरण को सिर्फ गंदगी ही दी है।